गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे और एग्रोनॉमी में भी हमने जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट किया है और ट्वेल्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, सस्य विज्ञान, मृदा और बीज। उसमें से सस्य विज्ञान हमारा पूरा हो गया है, मृदा विज्ञान का कुछ टॉपिक है, मृदा का जो टॉपिक है वो चल रहा है, उसमें से भी हमारा मृदा सरण का टॉपिक चल रहा है। मृदा सरण यानी कि हम सॉयल इरोजन के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, सॉयल इरोजन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने सॉयल इरोजन को, मृदा सरण को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, जलीय और वायवीय। जलीय सरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जलीय सरण के बारे में हमने जलीय सरण के प्रकार पढ़े थे और जलीय सरण को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, जलीय सरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा टाइप आता है वो है वायवीय सरण, या इसको बोलते हैं विंड इरोजन, इसको बोला जाता है विंड इरोजन। देखो, विंड इरोजन क्या होता है वैसे तो आप सारे जानते हो। मृदा का सरण किसको बोलते हैं, मृदा के का कोई एक कण है वो एक स्थान से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से मृदा इस स्थान की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है, उसको मृदा सरण बोल देते हैं। ये अगर जल की सहायता से हो जाता है तो जलीय सरण बोल देते हैं और अगर वायु की सहायता से हुआ तो वायवीय सरण बोल देते हैं। तो देखिए, वायवीय सरण किस में होता है, किस प्रकार होता है, शुष्क या अर्ध शुष्क, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मृदा के कण है वो बड़े भी होते हैं, वहां पर वनस्पति भी कम होती है, तापमान भी ज्यादा होता है और वायु का बहाव भी तेज होता है। तो इनमें क्या होता है, देखो, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा तापमान होता है, ज्यादा तापमान वर्षा होती है वो कम होती है और कणों का आकार है वो बड़ा होता है, बड़े कणाकार होते हैं और इन्हीं सभी की वजह से, कम वनस्पति और ज्यादा तापमान की वजह से यहां पर वनस्पति नहीं होती। अगर वनस्पति से ढके हुए नहीं है और मृदा के कण बड़े हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसी किसकी सहायता से, वायु की सहायता से। देखो, वायु की सहायता से वायु का बहाव होता है और वायु बहा करके कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अगर हम इसी में बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में शुष्क जलवायु है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है और इसी शुष्क जलवायु में ज्यादातर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर क्या है कि शुष्क जलवायु है, जो बहाव है वो तेज होता है, किसका, वायु का बहाव तेज होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीनों में बहुत तेज हवाएं चलती है, मार्च से लेकर के जून तक बहुत तेज हवाएं चलती है। इसमें अगर मार्च से जून तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवाएं चलती है, इसका मतलब वहां पर वनस्पति वहां पर पहले से कम है और तेज हवाएं चलती है, कम वनस्पति है वहां पर, तो वहां पर क्या होगा कि मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाएगा, यानी कि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, जिससे मृदा के पहले वाले स्थान की में पोषक तत्वों की कमी आ गई, मृदा की उर्वरा क्षमता कम हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में क्या होता है कि मृदा सरण ज्यादा होता है। हमें यहां पर मृदा सरण को समझने की, मृदा वायवीय सरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वायवीय सरण हमें पता होना चाहिए कि अधिक
तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पर मृदा के कण हैं वो बड़े आकार के होते हैं, वो मृदा के साथ बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे मृदा के पोषक तत्व है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और यही वजह है कि पहले स्थान पर जहां पर पहले कण थे वहां से दूसरे स्थान पर कण चले गए, इसकी उर्वरा क्षमता कम हो जाती है। अगर इसकी उर्वरा क्षमता कम हो गई तो इसी को तो मृदा क्षरण बोल देते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें जो वायुवीय क्षरण आता है आपका वो कितने प्रकार का होता है। वायुवीय क्षरण या विंड इरोजन ये होता है तीन प्रकार का। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। कौन कौन से हैं तीन प्रकार? पहला तो देखो सिंपल रहता है, पहला कौन सा आता है? उछलन। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं साल्टेशन। पहला आ गया आपका उछलन या साल्टेशन बोल दिया आपने। दूसरा इसमें आता है निलंबन, या इंग्लिश में इसको सस्पेंशन बोल देते हैं। दूसरा आ गया निलंबन, इंग्लिश में इसको बोल दिया सस्पेंशन। तीसरा इसमें आता है स्तह सर्पण। देखो ये अलग अलग प्रकार के हैं, उछलन, निलंबन, स्तह सर्पण, और इनमें अलग अलग प्रकार के कणों का क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होगा। इसको बोल देते हैं इंग्लिश में सरफेस क्रीप, इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है सरफेस क्रीप। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला आपका आता है उछलन, दूसरा है निलंबन, और तीसरा आता है स्तह सर्पण। साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं उछलन को। सबसे पहले आता है उछलन। देखो उछलन में क्या होता है, इसमें जो मृदा के कण उपस्थित रहते हैं उनका आकार एक तो 0.1 से 0.5 mm व्यास रहता है इनका, 0.1 से 0.5 mm व्यास के होते हैं, ठीक है, यानी कि ये मृदा के कण है। अब इस पर क्या होगा कि मृदा के कणों पर हवा का सीधा दबाव पड़ता है। हवा का सीधा दबाव पड़ने से इनका आकार तो देखो ठीक ठाक बड़ा है, हवा का दबाव पड़ने से ये क्या है, थोड़े थोड़े उछलते हैं। जैसे ये कण है वो उछल करके यहां पर आ गया, थोड़ा थोड़ी सी देर हवा में रहते हैं फिर आगे के चले जाते हैं, यानी कि थोड़े से उछलते हैं फिर आगे चले जाते हैं। अच्छा अब दोबारा हवा का दबाव पड़ेगा तो ये उछल करके आगे चला जाएगा, यानी इस प्रकार ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका क्या है, ट्रांसफर होता रहता है। और उछलन इसी का तो नाम है, छोटे छोटे उछाल होते हैं मृदा के कणों के, छोटे छोटे उछाल को उछलन बोल दिया जाता है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्टेशन। मृदा के कणों का छोटे छोटे उछाल होते हैं उनको उछलन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? उछलन। बहुत सिंपल चीज है। देखो सिंपली बात की कि जो मृदा के कण है वो इसमें उपस्थित रहते हैं, मृदा के कणों का आकार इसमें 0.1 से 0.5 mm का होता है, व्यास है मृदा के कणों का जो व्यास है वो क्या है, डायमीटर है वो क्या है, 0.1 से 0.5 mm होता है। मृदा के कण है वायु या हवा का दबाव पड़ने से एक स्थान से दूसरी जगह पर थोड़े थोड़े उछल करके, इस प्रकार उछल करके थोड़े थोड़े क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे उछालों को उछलन बोला जाता है, जिससे मृदा का वायुवीय क्षरण होता है। चलिए दूसरे में बात करते हैं। दूसरा आता है आपका निलंबन। जो दूसरा पॉइंट है आपका वो आता है निलंबन का। निलंबन को हम बोलते हैं सस्पेंशन।
कुछ गाड़ियां देखी होगी आपने जिसमें सस्पेंस लगे होते हैं। अच्छा, सस्पेंशन का यहां पर निलंबन का मीनिंग समझो। पहले इसका ये देखो कि आकार, पहले इसका देख लो कि इसके जो कण इसमें वायु द्वारा बहाए जाते हैं उनका आकार क्या होता है। तो इसमें जो आकार है ऊपर वाले में 0.1 से 0.5 mm का था, यहां पर लेस देन 0.1 mm डायमीटर होगा, यानी व्यास है वो 1 mm से क्या होगा, मृदा के कणों का कम होगा, यानी कि मृदा के कण है वो छोटे छोटे होंगे। मृदा के कण छोटे हैं तो उठ सकते हैं आसानी से, उठेंगे तो वो काफी किलोमीटर दूर जाकर के पड़ते हैं। ये कण है यहां से यहां पर चला गया, ये दूरी कितनी है, कुछ किलोमीटर्स में होगी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के कण चले गए, एक स्थान से मृदा के कण दूसरे स्थान तक चले गए, और ये हुआ कुछ किलोमीटर्स में हुआ है। ये ऊपर वाले में क्या था, थोड़ा सा उछाल हो रहा था बस, ये कुछ किलोमीटर्स में हो रहा है, तो इसको हम निलंबन या सस्पेंशन बोल देते हैं। बहुत ही आसान है। तीसरा देखते हैं हम इसका, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सरफेस क्रीपर, सतह सर्पण बोल देते हैं, सतह सर्पण इंग्लिश में बोलते हैं, सरफेस क्रीप। देखो क्रीपर पौधे भी होते हैं, क्रीप का मतलब होता है साथ साथ रेंग करके चलना, क्रीप। अच्छा, इसमें क्या है, पहले तो देखो इसका कणों का आकार क्या होता है। कणों का आकार होता है जो व्यास है इनका 0.5 mm से ज्यादा होता है। व्यास कितना होता है, 0.5 mm से ज्यादा, 0.5 mm से इसके कण, यानी कि इसके कण है वो मृदा के कण है वो बड़े होंगे और भारी भी होते हैं। अगर मृदा के कण भारी है, उस पर मृदा का हवा का दबाव पड़ने से वो उछल सकते हैं क्या? ये वाले बहुत दूर तक उछल के चले गए, इससे बड़ा था सबसे पहले वाला, वो क्या हुआ कि थोड़े से स्थान पर चला गया, थोड़ी सी दूर चला गया, और ये बहुत बड़े हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं उछल सकते। ये बहुत उछले, वो थोड़े उछले, और ये बिल्कुल भी नहीं उछले, यानी कि ये मृदा के दबाव पड़ने से थोड़ी सी दूर तक रेंग करके चले जाते हैं। मृदा के कणों का आकार बड़ा होता है, भारी होते हैं, तो इन पर जो हवा का दबाव लगता है वो उतना ही लगता है, लेकिन इनका भारीपन होने की वजह से, इनमें भार होने की वजह से क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले तो जाते हैं लेकिन रेंग करके जाते हैं, इनमें उछलना कूदना कुछ नहीं होता। तो रेंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। देखो ये हमने इसके तीन प्रकार पढ़ लिए हैं। तीन प्रकार कौन कौन से पढ़े, पहला हमने पढ़ा इसमें उछलन, वायुवीय सरण देखा हमने, वायुवीय सरण हमने सबसे पहले देखा था, मृदा सरण क्या होता है। मृदा सरण में हमने ये देखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के कणों का बहकर चले जाना और उसकी मृदा की उर्वरता को कम हो जाना क्या कहलाता है, मृदा सरण कहलाता है। दो प्रकार से हो सकता है, जलीय कारण भी हो सकते हैं, वायुवीय कारण भी हो सकते हैं। जलीय हम पढ़ चुके हैं पहले, अगर नहीं पढ़ा है अब तक तो पीछे की वीडियोस देख ले प्लीज। और वायुवीय सरण में हमने क्या किया है, वायुवीय सरण में हमने सिंपल चीज की है, पहला हमने पढ़ा कि मृदा के कणों का वायु के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, वायुवीय सरण कहलाता है। उस वायुवीय सरण में कितने होते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से हैं, उछलन, निलंबन, सतह सर्पण। उछलन में हमने देखा कि सबसे पहले अगर निलंबन देखो 0.1 mm से कम होता है इनका व्यास, यानी कि बहुत छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं तो बहुत किलोमीटर तक दूर तक चले जाते हैं मृदा के साथ बह करके, वायु के साथ बह करके। दूसरा आता है आपका, इससे थोड़े से बड़े कण हैं, वो थोड़ा थोड़ा उछाल लेते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा उछाल लेंगे तो एक स्थान से दूसरी जगह पर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, ये उछलन कहलाता है। तीसरा हमने पढ़ा सतह सर्पण, नाम से स्पष्ट है, सरफेस क्रीप, यानी कि रेंग करके, क्रीप का मतलब होता है रेंगना,
ये रेंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे यहां पर मृदा के कण है, वो मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े कण होते हैं, बड़े कण होते हैं तो वो जल्दी से नहीं जा सकते, ऊपर नहीं उछल सकते। अगर ऊपर नहीं उछल सकते तो क्या होगा कि वो रेंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। आगे चलो, इसमें आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या आता है, वायु सरण को प्रभावित करने वाले कारक, वायु सरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड इरोजन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड इरोजन। तो पहला पॉइंट आता है आपका, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं इसको, पहला पॉइंट आता है जलवायु। जलवायु के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं जल और वायु। अब अगर देखो जलवायु कैसी है, हम पहले बात कर चुके हैं, शुष्क जलवायु है या अर्ध शुष्क जलवायु है। शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु है तो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में क्या होता है, देखो तापमान ज्यादा होता है। तापमान कैसा, ज्यादा। वर्षा कैसा, कम। वनस्पति भी कम, यहां पर वनस्पति भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। अगर वनस्पति कम है तो मृदा के जो कण है उनका कटाव ज्यादा होगा, मृदा क्षरण ज्यादा होगा, उर्वरता कम हो जाएगी। अगली चीज, अगर हम इसका कंपैरिजन करें शीतोष्ण जलवायु से, उष्ण जलवायु से, तो वहां पर क्या है कि वनस्पति ज्यादा होगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जहां पर वनस्पति ज्यादा होती है वहां पर मृदा के कणों का कटाव कम होता है। तो यहां पर शुष्क और अर्ध शुष्क की बात कर रहे हैं, राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु रहती है, शुष्क जलवायु रहती है, यहां पर तापमान ज्यादा रहता है, वर्षा कम होती है, तो वनस्पति है वो भी कम होती है। वनस्पति कम होती है इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें मृदा का कटाव है वो ज्यादा होगा। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में क्या होता है कि मृदा क्षरण ज्यादा होता है, मृदा कटाव सॉइल इरोजन ज्यादा होता है, तो यहां पर कटाव ज्यादा हो गया। इसके बाद में आता है आपका दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे मृदा, दूसरा पॉइंट आता है आपका मृदा या सॉइल। देखो क्या क्या चीजें हैं मृदा की प्रभावित कर सकती है। एक तो देखो सीधी बलुई मृदा और चिकनी मृदा। आप सभी जानते हो कि मृदा बलुई मृदा और चिकनी मृदा, चिकनी मृदा का नाम इसीलिए चिकनी है कि वो चिपक जाती है, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी मात्रा ज्यादा होती है, और ज्यादा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होने की वजह से ये चिकनी मृदा है वो एक कण से दूसरे कण चिपक जाते हैं, उसकी वजह से इनमें भारीपन आ जाता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होते हैं। यानी कि इसका कटाव है वो कैसा होगा, कम होगा। कटाव कैसा, कम। और यहां पर क्या हुआ, ब्लूई मृदा है, मृदा के कणों का आकार बढ़ा है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है इसका मतलब वो एक दूसरे से चिपक नहीं सकते, चिपक नहीं सकते इसका मतलब है वो कटाव भी क्या होगा, ज्यादा। यहां पर एक चीज और देख सकते हैं, वरना चिकनी मृदा में पोषक तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अगर पोषक तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध है इसका मतलब इसमें वनस्पति ग्रो कर सकती है, वेजिटेशन ग्रोथ हो सकती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वनस्पति यहां पर नहीं उगेगी, वनस्पति नहीं उगेगी तो मृदा का कटाव भी ज्यादा होगा। दूसरी चीज, अगर मृदा की बात करें तो मृदा की भौतिक संरचना है वो प्रभावित करती है, मृदा के कणों का आकार है वो प्रभावित करता है, कणाकार लिखते हैं इसको, सॉइल पार्टिकल्स का साइज क्या है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, तो इन सभी से क्या इफेक्ट होता है, सॉइल इरोजन या विंड इरोजन जिसको हम बोलते हैं, इन तीनों पॉइंट से प्रभावित होता है। हमने दो पॉइंट पढ़ लिए, इसके बाद में हम इसमें पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है सिंपल, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो वनस्पति। हमने अभी तक डिस्कस किया है वनस्पति, या इंग्लिश में बोल देते हैं वेजिटेशन।
अच्छा वेजिटेशन में क्या होगा? देखो कोई भी एक क्षेत्र है जहां पर मृदा के कण इस प्रकार उपलब्ध है और इसमें क्या है वनस्पति उग जाती है, इसमें क्या हुआ इस प्रकार वनस्पति उगी हुई है। तो यहां पर हमने पहले जलीय इरोजन में भी बात की थी, इसमें जड़ें होती है, वो जड़ें क्या है कुछ लिक्विड रिलीज करती है, उसकी वजह से ये जो जड़ें हैं ये मृदा के कणों को आपस में बांध करके रखती हैं। अगर मृदा के कण आपस में बंध करके रहेंगे तो क्या है इनका कटाव कम हो जाएगा, इनका कटाव क्या हो जाएगा कम होगा। जहां पर वनस्पति ज्यादा वहां पर कटाव कम। राजस्थान में ज्यादा मृदा क्षरण का राजस्थान में ज्यादा होना यही कारण है कि यहां पर जो खेत हैं उनमें क्या है क्या ज्यादा होता है क्या कम होता है वनस्पति कम होती है, वनस्पति कम। अगर वनस्पति कम है तो मृदा क्षरण वो है ज्यादा होगा। सिंपल सी चीज है, अगर वनस्पति ज्यादा है तो इसकी जड़ें ज्यादा होगी, जड़ें ज्यादा है तो मृदा के कणों को बांध करके रखती है तो मृदा के कणों का कटाव नहीं होगा, और अगर वनस्पति कम है वनस्पति ज्यादा है तो कटाव होगा नहीं, और वनस्पति अगर कम है तो कटाव होगा। अगला चौथा पॉइंट आता है आपका इसमें स्थलाकृति। क्या है चौथा पॉइंट? स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति कैसी है। स्थल की आकृति वैसे आप पढ़ चुके हैं कहां पर, जलीय इरोजन में। टोपोग्राफी, देखो स्थल की आकृति अगर ऊबड़ खाबड़ है, स्थल की आकृति ऊबड़ खाबड़ है, ढलान वाले क्षेत्र हैं, तो हमें सीधा सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जहां पर ढलान होती है इस प्रकार से वहां पर ये अगर मृदा के कण पड़े हुए हैं तो यहां पर मृदा का जो वायु का दबाव है वो ज्यादा ज्यादा लगता है। अगर मृदा का दबाव है वो ज्यादा लगता है यहां पर, मृदा पर वायु द्वारा दबाव है वो ज्यादा लगता है तो इसके कण है वो भी बहकर आसानी से नीचे चले जाते हैं और इनमें ढलान होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ढलान वाले क्षेत्रों में, ढलान वाले क्षेत्रों में मृदा क्षरण है, मृदा कटाव है वो ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। ढलान वाले क्षेत्रों में मृदा का जो कटाव है वो ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। तो ये हमने अभी तक कुछ पढ़े हैं। क्या पढ़ा है अभी तक? मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, कौन कौन से कारक हैं जिन्होंने मृदा क्षरण को प्रभावित किया है। तो पहले चार पॉइंट है, हमने चार पॉइंट पढ़े हैं, एक एक करके हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले आया जलवायु। जलवायु में हमने ये कहा कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु जिन क्षेत्रों में होती है वहां पर मृदा का कटाव ज्यादा होता है। राजस्थान के क्षेत्र ऐसे ही हैं, राजस्थान के क्षेत्रों में ढलान भी होती है। स्थलाकृति में हमने देखा कि ढलान वाले खेत होते हैं और इसमें कणों का आकार भी बड़ा होता है, इसमें वनस्पति भी नहीं होती है, जलवायु भी शुष्क और अर्ध शुष्क है, यानी कि यहाँ पर कटाव होगा, मृदा का क्षरण होगा वो कैसा होगा, वायुवीय क्षरण होता है। राजस्थान के क्षेत्रों में अगर पूछ लिया जाए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाए कि ब्लूई मृदा में किस प्रकार का क्षरण होता है, तो आपको सिंपल आंसर देना है। वैसे तो जलीय क्षरण भी हो सकता है, वायुवीय क्षरण भी हो सकता है, लेकिन ब्लूई मृदा उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा होती है जहां पर वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होती है इसका मतलब वहां पर पानी के या सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। अगर पानी और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है इसका मतलब वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब जो क्षरण होगा वो किससे होगा, हवा से होगा, तो ध्यान रखना है। जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जलवायु क्या है, तापमान ज्यादा होता है, वर्षा कम होती है, तो इसी की वजह है कि वनस्पति भी कम होती है, वनस्पति कम होती है आप अच्छी तरह से जानते हो कटाव ज्यादा होगा। अगर शीतोष्ण जलवायु से तुलना करें तो शुष्क जलवायु में क्या है कटाव ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा आपका, दूसरा पॉइंट आता है मृदा और सॉयल। मृदा और सॉयल में क्या है, ब्लूई मृदा और चिकनी मृदा। पहला चीज देखिए हमने, ब्लूई मृदा में क्या है कि वनस्पति कम होती है, चिकनी मृदा में वनस्पति ज्यादा होती है, तो इसको बांध करके रख लेती है, मृदा के कणों को आपस में बांध करके रख लेगी तो मृदा का कटाव भी कम होगा, और यहां पर मृदा का कटाव है वो ज्यादा होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है आपका वो आता है वनस्पति, यानी कि जिस क्षेत्रों में वनस्पति ज्यादा है वहां पर जड़ें भी होगी, जहां पर वनस्पति है, जहां पर पेड़ पौधे हैं वहां पर जड़ें भी ज्यादा होगी। अगर जड़ें ज्यादा है तो क्या हो गया कि मृदा के कण आपस में बंधे रहेंगे, अगर मृदा के कण आपस में बंधे हुए रहते हैं तो कटाव क्या है कम होगा, और वनस्पति अगर कम हो गई तो मृदा का कटाव है, कटाव क्या हो जाएगा बेटा, कटाव ज्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखोगे।
चौथा पॉइंट आता है आपका स्थलाकृति या टोपोग्राफी, यानी स्थल की आकृति कैसी है। उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में हम जानते हैं कि मृदा का क्षरण ज्यादा होता है। हमें पता है कि राजस्थान में भी उबड़ खाबड़ क्षेत्र उपलब्ध रहते हैं, तो राजस्थान के क्षेत्रों में कौन सा क्षरण होता है, वायुवीय क्षरण होता है। ढलान वाले क्षेत्रों में ज्यादा वायुवीय क्षरण होता है, क्योंकि दबाव है वो ढलान के ऊपर आसानी से मृदा पर जो वायु का जो दबाव है वो आसानी से लग जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे मृदा संरक्षण पढ़ेंगे, वायु द्वारा मृदा को संरक्षित किस प्रकार किया जा सकता है, या वायु क्षरण को, मृदा वायु क्षरण को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, या वायु को, वायु के द्वारा जो कटाव होता है उसको संरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।